दोस्तों सोनाली एक बेहद मेहनती और कामयाब एक्ट्रेस थी। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर हर क्षेत्र में अपना नाम बनाया था। वो महज 42 वर्ष की थी जब सोनाली ने अपनी आखिरी सांस ली। फोगाट ने सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 14 में वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद अपना घरेलू नाम बनाया। उन्होंने 79वें दिन घर में प्रवेश किया और उनकी यात्रा रोलर कोस्टर की सवारी से कम नहीं थी। वो अपने झगड़े को लेकर सुर्खियां बटोरती थी, लेकिन कई प्रतियोगियों के साथ उनकी काफी अच्छी दोस्ती भी बन चुकी। इसी बीच जैसे ही सोनाली की खबर सामने आई, बिग बॉस में सोनाली के सह प्रतियोगी रह चुके अली गोनी ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोनाली के साथ अपने सारे संबंधों को याद किया और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी। सोनाली फोगाट बिग बॉस में पसंदीदा कंटेस्टेंट्स में से एक थी। बिग बॉस के फैंस शायद जानते होंगे कि अली गोनी और सोनाली फोगाट एक दूसरे से कितने करीबी थे। दोनों पूर्व बिग बॉस 14 प्रतियोगियों ने घर में एक अच्छा संबंध बनाया था, यहाँ तक कि सोनाली ने अली के प्रति अपनी क्रश की बात भी कबूल की थी। दोस्तों आपको बता दें कि अली गोनी का गुस्सा सोनाली के दोषियों पर एक बार फिर से फूटा है। आइए बताते हैं आपको इस वीडियो। हाल ही में जब सोनाली की खबर सामने आई थी तो अली ने एक बेहद भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया था। अली गोनी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह और सोनाली फोगाट बिग बॉस 14 के घर में डांस कर रहे थे। अभिनेता ने बैकग्राउंड में यादें गीत जोड़ा और लिखा, समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूं, मेरे पास अभी शब्दों की कमी है। आपने 2 दिन पहले ही मुझे मैसेज किया और मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और बताया कि आपको मेरा नया गाना कितना पसंद आया है और मैंने वादा किया था कि हाँ मैं करूंगा, लेकिन आई एम सॉरी सोनाली जी, ये वादा अब अधूरा रह गया। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, आपकी कमी खलेगी और ईश्वर आपकी सुंदर आत्मा को शांति प्रदान करे। अली गोनी के इस इमोशनल पोस्ट ने लाखों लोगों को भावुक कर दिया। जैसा कि अब हम सभी जानते हैं, सोनाली मामले को अब काफी दिन हो चुके हैं और अभी तक सोनाली को न्याय नहीं मिल पाया, पर अली गोनी का गुस्सा फूट चुका है। अली गोनी ने सुधीर सांगवान को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा कि उसकी वजह से आज हम सबकी खास सोनाली फोगाट हमारे बीच में नहीं है, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। सोनाली जी उस पर कितना ज्यादा भरोसा किया करती थी, लेकिन बदले में उसने उनके साथ ऐसा किया। उसके लालच की वजह से आज वो एक छोटी सी बच्ची जिसे अपनी माँ के साथ होना चाहिए, वो इस समय अपनी माँ को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही। यशोधरा को इस तरह से देखना मेरे लिए काफी ज्यादा भावुक पल रहा है। मैंने यशोधरा को हंसते खेलते हुए देखा है। मैं जानता हूँ दोनों माँ बेटी के बीच कितना गहरा संबंध था। ऐसे में अब सोनाली को न्याय दिलाने की इस लड़ाई में मैं यशोधरा का पूरा साथ दूंगा। मैं मदद करूंगा उस बच्ची की इस लड़ाई में, वो बिल्कुल भी अकेली नहीं है। दोस्तों अली गोनी के इस पहल के बारे में आपके क्या राय है, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।